नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। क्या स्पेशल है? सब कुछ स्पेशल है। गाना है विद लेबल और स्पेशली भंटाई की पब्लिक के लिए बहुत खुशी का मोमेंट है क्योंकि रिकॉर्ड लेबल के साथ संबोधित सात सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी गौरांग राठी को सौंपा गया। इस अवसर पर सिद्दीकी ने कहा कि कालीन पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसकी बुनाई हाथों से होने के कारण इस उद्योग में लगभग 20 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। फुल मार्केट में जैसे बाकी लोग काम करते हैं वैसे करने के लिए अभी एमवी बंटा है तैयार हो गया। अभी बंटा भी घुस गया, अभी एमवी बंटा है तैयार है टेकओवर करने के लिए सर। करेक्ट, होल एक्सपीरियंस एक नंबर, एक वर्ड, एक वर्ड में बोलो तो एक नंबर। जैसे कि ब्रो और अपने मीर ब्रो एंड सबके साथ हम लोगों ने जैसे पहला मीट ही हम लोग का इतना भारी रहा, ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं। सब वाइब भी इतना ब्यूटीफुल था और शूट भी कोई मसला नहीं रहा, सब कुछ ऑन पॉइंट। बस गए फटाफट तैयार हुए, शूट किए, टेक किए और बहुत फन था। राइट, वी हैड ग्रेट टाइम ऑन सेट। ऐसा कुछ भी हेक्टिक नहीं था, हम लोगों ने मज़े किया, मज़े करके काम किए। फ्रेम्स अच्छे आ रहे थे, टेक अच्छे हो रहे थे, ज़्यादा रीटेक की जरूरत नहीं पड़ी एंड सारे अपने फील्ड के मास्टर्स काम ही कर रहे थे माशाल्लाह। ऑन पॉइंट एक नंबर का सब कुछ। आई थिंक मैं किसी भी मेरे को ऐसा लगता है कि हमें हर, मैं जब भी कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे को अपने प्रीवियस गानों से उसे बेटर बनाना है। तो चैलेंज एज सच मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चैलेंज सिर्फ इतना ही था कि मैं भाई को, एमवीवे भाई को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहता था। बिकॉज जो मेरी पर्सनल वीडियोज़ होती हैं वो लाइटिंग और इस सब के लिए बहुत फेमस है, इन टर्म्स ऑफ कलर, स्टाइलिंग और इन सब चीज़ों के लिए लोग बहुत बात करते हैं इंडस्ट्री में उसके लिए। तो मेरे को ये था कि मैं भाई की रॉ एनर्जी को लेकर किस तरीके से उसे ऐसे मर्ज करूँ, ऐसा फ्यूज़ करूँ कि एक जो प्रोडक्ट निकल गया है वो बहुत क्लासी निकल गया है। तो बहुत नई चीज़ थी, बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छा जोन था। भाई की लुक्स के साथ प्ले किया हम लोगों ने, इन टर्म्स ऑफ सेट हम लोगों ने बहुत कुछ प्ले किया, मैंने अपनी खुद की जो पर्सनल चीज़ें थी उनको एक्सप्लोर किया। हम कभी इतना सेट ओरिएंटेड वीडियो नहीं किया था, तो बड़ा मन था कि इंडियन सीन में एक इंटरनेशनल विजुअल दिखे लोगों को। तो इवन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि वीडियोस लुकिंग इंटरनेशनल। एंड भाई की तो जो है ही, मतलब जो परफॉर्मेंस लेवल है, क्वालिना जो लग रही है वीडियो में, वो तो बहुत, मतलब एवरीवन नोज दैट कि बहुत साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। एंड हिट जोड़ी है, पहले बहुत हिट सॉन्ग्स दिए इन लोगों ने। एंड स्वालिना ने तो मतलब थ्रू आउट द वीडियो एक एक चीज़ के लिए, मतलब बहुत ऑन पॉइंट थे हम लोग विद हर लुक, विद हर मेकअप एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक वो सब दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, वही था। It was great. I mean, I worked with a lot of other labels as well, right? Because I started my career from featuring in songs. But Namo Studios was really different because they literally took care of every single thing. Like usually labels do not pay attention to the, the artist's look and so much detailing nahi hai jo yahan par bahut acche se kiya gaya. Aur Mihir sir is like one of my favorite directors. I really wanted to work with him and finally I am. And I'm really, really grateful and amazing work, amazing. You guys can see the result. So, special तो यही था कि एमवीवे ने हाँ बोला, एमवीवे ने बोला कि फाइनली गाना कर रहे हैं। अब गाना आना था तो अब क्योंकि मतलब ऐसी इमेज रही है बंटाई की कि भाई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, आज तक लेबल के साथ कोई काम नहीं किया। अब अगर लेबल के साथ काम हो रहा था तो इट हैज़ टू बी ग्रैंड, मतलब ये
लगना चाहिए था कि हाँ एनीवे अगर आ रहा है मतलब एक लेबल के साथ आ रहा है तो हमें हमारा शुरू से ये प्रोजेक्शन था कि हम लोगों को ऐसे ही प्रेजेंट करना है चीज़ों को लेकर. ही सुपर स्टार सब लोग देख रहे हैं पिछले 2-4 सालों में, मतलब एवरीबडी इज़ लाइक अच्छे बड़े से बड़े आर्टिस्ट इनके फ़ैन हैं, हम भी फ़ैन हैं, हम भी मिले एज अ फ़ैन ही थे. पता नहीं था उस टाइम तक तो काम करेंगे नहीं करेंगे, फ़ैन थे भाई के और मिले और प्यार बोलो कुछ भी बोलो हुआ. हम लोगों ने बहुत जल्दी एक दूसरे को पसंद कर लिया और काम भी कर लिया. मतलब सलमान खान ने जब हमारे लिए वो मोमेंट था जब सलमान खान ने अपने मुँह से वो कुड़ी बोला था ना, तो हमारा तो उनके बहुत बड़े फैन है भाई और कौन नहीं है. तो एक बिग बॉस OTT एक बहुत बड़ा शो है इंडिया का, तो ऑब्वियसली हमारा सॉन्ग अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े शो पे इंडिया के सबसे बड़े शो पे अगर प्रमोट हो रहा है तो सब कुछ अच्छा ही था. मतलब बहुत ही अच्छा था. उसको एक्सप्रेस करके वो फीलिंग छोटी हो जाएगी तो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो मेरे जब वो शो टेलीकास्ट हुआ था तो सबसे पहला मैसेज मैंने भाई को किया था, भाई मचा दिया. तो बस ये हमारा मतलब बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहा. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव डन सच थिंग, मतलब ऐसा कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके हमारा हमारे स्टूडियो का हमारे लेबल का नाम लिया गया, हमारे गाने का नाम लिया गया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मतलब बहुत प्राउड मोमेंट भी है कह सकते हो, अभी नए हैं तो एक बहुत अच्छी बड़ी प्राउड मोमेंट है. नहीं तो चॉइस के हिसाब से मैं हमेशा से ओपन रहा हूँ, सब लेवल्स को वेलकम है. बिकॉज मैंने कभी ऐसा नहीं रखा कि हाँ किसके साथ नहीं करना, ऐसा नहीं. मैं सबके साथ कूल हूँ, बट मुश्किल सामने वालों को ज़्यादा, बिकॉज एज इन यू नो इतने साल मैंने काम किया है एंड उस हिसाब से जैसे मार्केट में डे बाई डे आर्टिस्ट का वैल्यू भी बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है, चीज़ें भी बढ़ती है और आर्ट का यू नो कदर भी बढ़ता है. तो उस हिसाब से मैंने अपने मेरे लिए मेरा गाना बहुत ज़्यादा कीमती है. तो इनको अगर कोई मांगता है तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कि यार इसको मेरे को नहीं देने का, ये मेरा ही चाहिए. बट एट द सेम टाइम अगर मैं देना चाहता हूँ तो कोई यू नो जितना मैं मांगूँ उतना अगर कोई उसको दे रहा है, उसके बाद जस्टिस हो रहा है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ कि चलो तो ये सही जगह जा रहा है. तो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम सामने के लोगों को टफ हो जाता है क्योंकि दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ बजट, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं. पहली बात बोलते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा अमाउंट कोई आर्टिस्ट चार्ज नहीं करता है, बोलते कि यार इतना पैसा किसी आर्टिस्ट ने नहीं लिया है. तो देखो बरसे पागल हो जाते हैं, बोलते कि इतना पैसा ऐसा कैसे तुम मांग रहे हो कैसे. बट मेरे हिसाब से बदलाव आना चाहिए और वो बदलाव के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ और ओपनिंग हो गया है जिस हिसाब से. और भी जगह मैंने काम किया, मैंने और भी लेबलों में आई थिंक एक वर्ष दिया बट पूरा गाना जो मैंने बेचा है वो नमो स्टूडियो को बेचा. तो या तो माई मोटिवेशन इज लाइक जस्ट अभी मैंने मेरे ब्रो को भी जस्ट जैसा सुना कि लाइक यू नो हर एक वीडियो के हिसाब से जैसे उन्होंने बोला था यू नो इट्स अ चैलेंज कि मेरा खुद का गाना हर एक गाने के बाद दूसरा गाना हार्ड होना चाहिए. एक रिलीज़ हुआ अभी अगला गाना उससे भारी होना चाहिए, तीसरा आएगा उससे और हार्ड. तो अभी मेरे पे प्रेशर आता रहता, पब्लिक भी बोलती है भाई कुछ हार्ड डालो नहीं तो क्या है, फिर पब्लिक नाराज़ हो जाती, पुराना MV लाओ नया MV लाओ. तो मोटिवेशन एक वक्त तक जो पुराने जो आर्टिस्ट को मैंने जिनको सुना था जिनको सुन के मैंने अपना मोटिवेशन लिया, तो आज ऐसा वक्त हो जाता आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाता जब खुद से मोटिवेशन लेना पड़ जाता है कि भाई खुद को मोटिवेटेड रखो एक के बाद एक देते रहो. पहले तो ये सबको पता ही है Eminem, Lil Wayne, Tech N9ne, Drake यू नो ये सारी पब्लिक जो पहले के आर्टिस्ट हैं अभी भी सुनता हूँ मैं रिफ्रेश होने चार्ज होने के लिए.
बट एट प्रेजेंट अभी बहुत कम आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ, खुद ही को सुन रहा हूँ, खुद ही को बज रहा हूँ। He can tell me that. I think song is enough. It says a lot. It's very beautifully written, and I don't think he needs to do it off camera. He has already done the job, so I'm happy. Yes, maybe we have to know that first time you know, after because both of you have come, your song is composed, right? So how was the feeling? Was it Salman Khan's melody? How was it? Yeah, so first time गया वो माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रेजी मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बिना किधर साइन हुए तुम ऐसे जो यू नो बिग बॉस जैसे शोज़ में तुम एज अ चीफ गेस्ट तुम गेस्ट बन के जा रहे हो, और मेरे लिए ही नहीं से पूरी इंडिपेंडेंट सीन के लिए एक प्राउड मोमेंट है, और मेरे पूरे फैंस के लिए प्राउड मोमेंट है, और सलमान भाई को बहुत प्यार क्योंकि जैसे कि बचपन से ही उन्हें देखते हुए बड़े हुए हम टीवी में, और जितना भाई ने प्यार दिखाया स्क्रीन पर मुझे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए, और इवन फॉर बिग बॉस क्योंकि बिग बॉस ने एक वो जो स्लॉट जिस हिसाब से दिखाया सब कुछ ऑन पॉइंट रहा, मजबूत दिखा, और यू नो आर्टिस्ट को अपना और मेरी मांगे भी पूरी हुई है वहाँ पे। मैं बोला मैं हाँ कंपनी भी बजाएगा, मैं ये भी बजाऊँगा, नमो स्टूडियो का जो गाना हमारा रिलीज हो वो भी बजाऊँगा, सो या वन ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार बहुत सही मोमेंट। कुड़ी और ये सब कमर्शियल के अलावा मैं रिसेंटली किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम डाले लो, और उसमें कोई कुड़ी की बात नहीं हो रही है, उसमें सीधा स्ट्रीट सड़क की बात हो रही है, और मैं हमेशा बैलेंस करता हूँ हिप हॉप और कमर्शियल म्यूज़िक के बीच में, तो जो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम सुना है उनको पता है कि क्या काइंड ऑफ म्यूज़िक मैं और भी पुट आउट करता हूँ, लाइक है ना पूरा रस्ते की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, हर एक वो हसलर की बात कर रहा हूँ, और मेरी खुद की हसल की बात कर रहा हूँ, सो हमेशा से बैलेंस रहा है बीच में हिप हॉप और कमर्शियल म्यूज़िक के बीच में, तो बंटाई से कभी तुम्हारे को ऐसा शिकायत नहीं मिलेगा। किसका गेम अच्छा लगा था? मैं तो जाके मैंने फुकरा इंसान को मैंने शार्ट आउट दे के आया, और वैसे तो सभी अच्छा खेल रहे हैं अंदर पब्लिक जो सभी अच्छा करे, बट या पर्सनली मैं चाहता हूँ कि फुकरा इंसान जीते तो बहुत सही वाइब आएगा, है ना। मेरे को पिछले 3 साल से 2 साल से बिग बॉस के घर पे बुलाए जा रहे हैं ऐसा नहीं कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाते गए बिग बॉस के घर पे, और यू नो बस वो मेरा एक चॉइस है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ बिग बॉस के घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट, मैंने हमेशा से वो अवॉइड रखा है क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट पर्सनल इंसान हूँ, और मैं हमेशा से यही सोचा था बिग बॉस जाऊँगा तो गेस्ट बन के जाऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ, तो जब भी जहाँ भी दिखूँगा मैं एज अ गेस्ट आने की कोशिश करूँगा, और बाकी कुछ ही नहीं है। हनी भाई के साथ तो इंशाल्लाह राइट वक्त पे सही समय पे सही टाइम पे, क्योंकि पाजी से बात हुई है, और पाजी ऑल नो के लाइक यू नो हमारा नेट पे दिखता रहता है कि हम लोग क्या बात करते हैं कैसे पुट आउट करें चीज़ें, तो सरप्राइज है सही वक्त पे सही टाइम पे सडनली बम फटेगा। टॉप 3 इस वक्त गाइस, मैं सीधा मैं विनर का नाम दे दिया हूँ, मेरे को हाँ मैं चाहता हूँ एक ही जन जीते, मैं कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहता है ना, एक ही है। सो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा, बहुत सही था। थैंक यू।